हे, आई नो आई एम लेट, बट स्टिल बेटर देन द गाइज जो जल्दी जल्दी के चक्कर में हगी वीडियो बना देते हैं. एनीवेज, सबको पता है कि चैप्टर 1061 आ चुका है, ऑफिशियली भी आ चुका है. अभी तक तो लगवाओ एंड मैं अपना ज्ञान ना दूँ इस पे, ऐसा हो सकता है क्या? इंट्रो देख लो, फिर कान से खून निकाल देने वाली आवाज़ लंबे टाइम तक सुनना भी तो है. लेट्स बिगिन. अब ये चैप्टर में कुछ खास हुआ नहीं है, बस लास्ट में वेगापंक का फेस रिवील हुआ है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे थोड़ी देर में. मतलब फॉर्मेलिटी के लिए बाकी की चीज़ों के बारे में पहले बात कर लेते हैं. वैसे स्ट्रॉ हैट्स ने अपना बिछड़ने वाला परंपरा रोका नहीं है. सनी में जितना इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा भाई बिछड़ के मिलने और फिर से बिछड़ने में टाइम स्पेंड किया इन्होंने. बाय द वे, मैंने इस वीडियो में बोला था ना कि मुझे मेगलाडॉन जैसा कुछ डेविल फ्रूट देखना है. ओडा ने भाई इस चैप्टर में मेगालोडॉन जैसा ही बड़ा सा एक आयरन शार्क दिखा दिया. एंड ये शार्क भाई पहले पैनल में बड़ा कूल लग रहा था, सेकंड पैनल में लिटरली कार्टून लग रहा है, बट कोई बात नहीं. एंड हमें पता चल गया कि एलबेफ नहीं आए हैं ये लोग आए हैं एग हेड आइलैंड में, वेगापंक के आइलैंड में. आई एम हैप्पी विद दिस बिकॉज अब हमें फ्रैंकी एज द हीरो ऑफ दिस आर्क दिख सकता है. हीरो नहीं तो अच्छे खासे हरकतें करते हुए तो दिखेगा ही शायद से फ्रैंकी इस आइलैंड एंड इस आर्क में. आई रोबोट से भरा हुआ आर्क होने वाला है, आई एम श्योर ऑफ इट. मरीन्स में ताशिकी और हेलमेपो लोगों का कुछ कुछ दिखा है. पंकजैड वाले बच्चे नॉर्मल होते हुए दिखे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा है. चॉपर को हमने डिफेक्टेड स्माइल फ्रूट यूजर्स को ठीक करते हुए कभी नहीं देखा ना. वैसे अब जब ताशिकी दिख गई है, देन आई होप कि जोरो ताशिकी का कुछ बढ़िया सा दिखेगा. लास्ट टाइम इन लोग मिले थे तब जोरो का मोनेट को काटने वाला बैड एस सीन दिखा था हमें, गूज़बम्प वाला मोमेंट था भाई, वो मेरा फेवरेट जोरो मोमेंट है अभी तक का. वो इस बार भी थोड़ा एक्शन दिख जाए तो मज़ा आएगा. इस आर्क में ना आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मर टाइप ऑफ शिट, फुल रोबोट्स का फोड़ा फाड़ी ऐसा कुछ दिखे तो मज़ा आएगा. ऐसा लूफी जोरो सांजी जिम्बे मुंडी फोड़ते हुए रोबोट्स का ऐसा एक्शन दिखना चाहिए. 10-15 चिट्टी रोबोट्स भी दिखा दो मस्त, आई एल बी मोर देन हैप्पी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमें बहुत कूल कूल टेक्नोलॉजी दिखेगा इस आर्क में. बाकी तो स्वॉर्ड के कुछ मेंबर्स दिखे हैं, आई वॉन्ट टू नो वट स्वॉर्ड इज एक्चुअली एंड इधर पे क्या कर रहे हैं, लाइक ये क्या कर क्या रहे हैं यहाँ पे. एंड ये रियर एडमिरल रियोको की जैसा नहीं दिख रहा, लाइक क्या भाई भाई ये क्या. वैसे हेलमेपो ने जो बोला ना कि एगहेड पास में है तो सेराफिम्स को लेके चलते हैं बीबी से कोबी को छुड़ाने, उससे ये चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि सेराफिम्स से लूफी बॉनी लोग जल्द ही इंटरेक्ट करने वाले हैं. सेराफिम्स आफ्टर ऑल एग हेड में ही है, विच मीन्स हमें सेराफिम्स के बारे में और अच्छे से पता चल सकता है एंड आई एम श्योर हमें पता चलेगा भी. मैं मिहॉक सेराफिम वर्सेस जोरो के फाइट को देखना डेफिनेटली पसंद करेगा, किंग और बालक मिहॉक के अगेंस्ट जोरो, भाई मज़ा आएगा. आई फील लाइक मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा है इस आर्क से, पता चला लास्ट में ओडा हक दे जैसे वानो के एंड में हुआ था, बट फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग सम गुड शिट फ्रॉम दिस आर्क. लूफी जिम्बे चॉपर बॉनी ये सब भी एग हेड पहुँच गए हैं एंड उधर से भाई सांजी जोरो नामी लोग भी पहुँच गए हैं वेगापंक के पास, तो वो भी एग हेड में घुस ही गए हैं. बॉनी भाई लूफी लोगों के सामने ही कपड़े निचोड़ रही, आई मीन टॉमबॉय और वॉट. लूफी का एक लाइन इस पूरे सिचुएशन में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, जो कि उसने अपने अवेकनिंग के बारे में बोला कि वो वैसा दिखता है वाइट वाइट सा जब वो फ्री होता है. मतलब लूफी को पता है कि उसके साथ क्या हुआ था, बट द क्वेश्चन इज कि क्या उसे पता है कि उसने वो कैसे किया था. वैसे लूफी बॉनी बोगी साथ में है तो इनसे मैं फनी मोमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है. दोनों खबड़े लोग हैं एंड साथ में चॉपर भी है एंड जिम्बे भी है, शार्क एंड रेनडियर. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. बॉनी क्यों वेगापंक से मिलने आई है, आई वॉन्ट टू नो एंड आई एम श्योर ये अपने को जल्द ही पता चल भी जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेगापंक. वेट, तुमने ये चीज़ ध्यान दिया कि जिस रोबोट में बैठ के ये लड़की आई वो थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमस प्राइम जैसा लग रहा है. थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हुआ इस रोबोट को देख के मुझे. वैसे व्हाट डू यू थिंक, क्या ये लड़की एक्चुअल में वेगापंक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली बात कि वेगापंक को पहले भी स्टोरी में बुढ़ा आदमी बोला है किसी ने, तो फुजितोरा ने बोला था शायद एक बुढ़ा दूसरे को बुढ़ा बोल रहा, मतलब ऑब्वियसली वेगापंक और ज़्यादा बुढ़ा इंसान है फुजितोरा से भी. प्लस बॉनी ने जैसा बोला कि वो आई ही एगहेड में है वेगापंक से मिलने,
तो इस चीज़ के होने का बहुत कम चांस है कि बॉनी ने बुढ़ी वेगा पंक को जवान बना दिया अपने डेविल फ्रूट के पावर से। बट आई थिंक इसकी ये एक रोबोट है जिससे वेगा पंक ने ही बनाया है, एंड ये बुढ़े जैसे बात करते हुए दिखी है। तो आई थिंक कि वेगा पंक ने इसे अपने लीनियस फैक्टर से ही बनाया है, जैसे हमारे वसीकरण ने चिट्टी को बनाया था। एंड अगर ऐसा है तो डैम वेगा पंक भाई रोशी जैसा हरामखोर ठरकी है, बिग टीटी रोबोट्स बना रहा हरामखोर। एंड इस लड़की के लेफ्ट बूब के तरफ में Punk02 भी लिखा है, अनदर रीज़न फॉर हर टू बी अ रोबोट। एंड अगर ये सही में रोबोट है तो आई हैव टू से कि ये बहुत इंटेलिजेंट रोबोट है, क्योंकि जिस वे में इसने लोहे वाले शार्क के बारे में बात किया ना, मुझे ऐसा लगा कि इसने ही उसको बनाया है। एंड ये लड़की सेराफिम्स जैसे भी है इन अ वे, सेराफिम्स इमोशंस दिखाते हुए दिखे हैं, एंड ये भी स्माइल स्मूल कर रही। ऑल्दो ऐसा भी हो सकता है कि ये वेगापंक की बेटी या फिर पोती है और सेम सरनेम करके खुद को वेगापंक बोल रही, बट फिर बुढ़े ऐसा क्यों बात करेगी ये बताओ। इस लड़की के रोबोट होने के चांसेस ज़्यादा लग रहा मुझे। वैसे अगर ऐसा हुआ तो ये अजीब नहीं होगा? ओडा ने एक रोबोट को एक बड़े ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबोट को कंट्रोल करते हुए दिखा दिया। ऐसे तो भाई चिट्टी ने भी किया था ना। वेल, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि वेगा पंक ने खुद को ही एक रोबोट, मोर लाइक एक बड़ी टिटीज वाली साइबोर्ग बना लिया इन अ वे। अगर ऐसा कुछ सीन होता है तो भाई क्या शौक है वेगा पंक के भाई, बिग टिटीज वाली साइबोर्ग सीरियसली? बाकी तो आई गेस कुछ खास दिया भाई, कुत्ते कितने भौंकेंगे भाई, 12 बज रहे तो भाई भौंके जा रहे। हाँ, कमिंग बैक। बाकी तो आई गेस कुछ खास दिखा नहीं है इस आर्क के लिए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा, लाइक मैं भाई क्या क्या इमेजिन कर रहा मेरे को भी नहीं पता। लाइक अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज़ दिखने चाहिए अपने को। मुझे चिट्टी ऐसे तो कुछ देखना ही है भाई, चिट्टी दिखाओ भाई। नेक्स्ट वीक वैसे ब्रेक है, एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो भी अब 1-2 हफ्ते बाद ही आएगा शायद। भाई मन नहीं कर अभी वीडियो बनाने का। बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स, जो कि एक एड फ्री वेबसाइट है, एंड यहाँ पर तुम्हें बहुत से ओरिजिनल कॉमिक्स भी मिल जाएंगे विद ऑसम आर्ट स्टाइल। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, डू चेक इट आउट। एंड इस वेबसाइट से तुम बिलीबिली कॉमिक्स के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसको भी कर लेना, उसमें भी तुमको काफ़ी कॉमिक्स मिल जाएंगे एंड रीडिंग एक्सपीरियंस तुम्हारा बेटर हो जाएगा। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।